ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। ये कहानी है उस दिन की जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के दो बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। आज 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेके प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले आप इस कहानी की इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे ध्यान दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेसिडेंस था जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता था, और ये उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इनके ऊपर अटैक इस गेट पर किया था, और ये वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेसिडेंस से जोड़ता है। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है ये एम्स हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का, और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज एक बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही हैं। एक तो ये बियंत सिंह, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था, और ये फेवरेट भी था, इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गईं, और आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे शेड्यूल किया गया है, जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से सटे इस एक अकबर रोड में होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था, जो कि उनके आवास से इस एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज के दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी है, और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी है। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं, उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आरके धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम, और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन फॉर्मर पीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ये सोच करके घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है, और यहां सब लोग अपने ही हैं तो अपनों से कैसा खतरा। इस बीच एक सर्वेंट एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी है। पीएम उसे बुलाकर बोलती है, ये टी सेट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेके आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल्स के साथ लंबे लंबे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती हैं। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने, यानी सतवंत सिंह ने, बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात है। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देख के मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत को 10 सालों से जानती थी, और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था, इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला है, आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं, और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं, और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तान शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। बेअंत एक सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत, जो अभी तक बेअंत के पास बूथ बना खड़ा था, वो अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बस्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े, तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये गोलियां कहां चली हैं। उसी समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने वेपन्स फेंककर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेंपल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से ITBP के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आरके धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कांटेक्ट
निकाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिख रहे हैं। भारत की मिट्टी में वो अभी लहू लुहान पड़ी हैं। मानो समय रुक सा गया है और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वो अभी तक आई नहीं है। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है लेकिन आज के दिन उसका ड्राइवर वहाँ पर यानी कि पीएम आवास में ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। यही सबसे पहला संकेत है कि आगे आने वाले घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल फोतेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस ना आते देख आर के धवन ने चिल्लाकर कोई भी कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर के धवन और माखनलाल फोतेदार ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर आर के धवन, फोतेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव ही गाड़ी की ओर दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लिया और कार बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। 9:31 पर एम्बेसडर कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंच गई। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में ही 3 मिनट का टाइम लग गया है और इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। किसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर्स घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर्स को अभी तक इस बात का ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी को इस तरह से गोलियां मारी गई हैं। जब सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर आए तो उनको तो ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन होगा। सीनियर डॉक्टर्स ने जब वहां खड़े जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिबा कहां हैं, तो एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की ओर इशारा किया। डॉक्टर्स ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर्स को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के हार्ट की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो क्लिनिकली अलाइव हैं। लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही है, उनकी आंखों की पुतलियां भी फैली हुई हैं, जो संकेत है कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। फिर अगले कुछ घंटों तक फॉर्मर पीएम की जान बचाने के लिए देश के बेस्ट 20 डॉक्टर्स की टीम ने जी तोड़ मेहनत की। यहां तक कि खून को रोकने के लिए 88 बोटल्स ओ नेगेटिव ब्लड भी चढ़ाया गया। 4 घंटे की कड़ी कोशिश की बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई हैं और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जेल सिंह, जो कि विदेश दौरे पर थे, वो भी इंदिरा गांधी पर हमले की खबर मिलते ही तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला समय देश और इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए कि अब एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स भी कुछ ही समय में अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर अब तक काफी कांग्रेस लीडर्स आ चुके हैं और सबको ये तो अनुमान हो गया है कि अब इंदिरा गांधी को बचा पाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ इसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाले मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत ये कि देश के सर्वोच्च लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। एक चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की खबर अगर बाहर फैलती है तो कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। इसलिए अभी एम्स के स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंदिरा गांधी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अंदर हॉस्पिटल में धीरे धीरे कुछ बचे हुए ऑर्गन्स भी एक एक करके मरने लग गए हैं। अब ये मशीन्स भी बेअसर मालूम पड़ रही हैं और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब इंदिरा गांधी
शून्य में विलीन हो गईं। राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनको इंडिया की आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश में कुछ न्यूज एजेंसीज ने न्यूज ब्रेक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी के मरने की खबर से जब लोगों को पता चला कि सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको मारा है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया कि इसमें लगभग 8,000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जला दिया गया और ये दौर आने वाले 3 से 4 दिनों तक चला। लाखों सिख फैमिलीज ने डर के कारण विदेशों और दूसरे राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली में एक तरफ तो दंगे चल रहे हैं, दूसरी ओर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी और इंदिरा गांधी पंच तत्व में विलीन हो गईं। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। रुको रुको, इस वीडियो में मैंने यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस के एग्जैक्ट रीजंस बताए हैं, जरूर देखो।